दोस्तों, इस साल 15 अगस्त को भारतीय बाजार में अब तक की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल एनर्जी लॉन्च हो रही है। बता दूं, इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज कर करीबन 240 किलोमीटर तक चल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईवी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इस सिंपल एनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सारी जानकारी, क्या है प्राइस, कहाँ मिलेगी, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ईवी वर्ल्ड में पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। बात करते हैं सीधे स्कूटर के मामले में। दोस्तों, स्कूटर दिखने में एक कंप्यूटर सेगमेंट का स्कूटर है और इसका जो डिजाइन है काफी स्लीक रखा गया है और काफी फ्यूचरिस्टिक दिखने में लगता है और काफी लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। गाड़ी को आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप रफ्तार के साथ बहुत आराम के साथ चला सकते हैं। इसमें कुछ मोड्स भी दिए गए हैं जहां पर इको, सिटी और हाईवे मोड्स आएंगे। अब यहां पर इसकी बात करें लाइसेंस की, तो इसको चलाने के लिए आपको जनरली लाइसेंस पड़ेगा क्योंकि ये 25 के ऊपर जाता है इसका रफ्तार। गाड़ी के अंदर माना जा रहा है कि 4.8 किलोवाट का स्वैपेबल लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगा। यह जो बैटरी है दोस्तों, करीबन एक घंटे में 100% चार्ज हो सकती है आपके घर पर। अगर आपके शहर में फास्ट चार्जिंग है तो महज 20 मिनट के टाइम में ये 50% चार्ज हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो ये सिंपल एनर्जी की इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आप देख रहे हैं 0 to 100 मात्र 3.4 सेकेंड्स में पा सकती है। जी दोस्तों, अब सिंपल एनर्जी में बात कर लूँ, ये गाड़ी कब हो रही है लॉन्च और कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, अभी सिंपल एनर्जी एक नई कंपनी है, तो ये देश के मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई जैसे बैंगलोर जैसे शहरों में है, वहाँ पे सबसे पहले हो रही है लॉन्च। कीमत की बात की जाए, अब दोस्तों इसमें दो कीमत आएंगी। पहला है यहाँ पर जो एक्सपेक्ट वैल्यू लगाया जा रहा है अभी तक रिपोर्ट्स के अनुसार, वो 1,10,000 से लेके 1,20,000 रुपए के बीच में होगा। अब ये जो प्राइस आप सुन रहे हैं ना, यह बिना सब्सिडी का है। अगर सरकार इस पे सब्सिडी दे देती है फेम 2 के तहत, तो करीबन 80,000 से 90,000 रुपए के बीच में इसका प्राइस हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आज के जमाने में पेट्रोल बाइक्स आपका 1.5 लाख 2 लाख की आ रही है, तो अगर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी उसने ही प्राइस में आ जाती है जिसमें 240 किलोमीटर का रेंज है, तो हर एक आम आदमी इसको लेना पसंद करेगा। एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है जो मैं करना चाहता हूँ कि इसका जो लिथियम आयन बैटरी है वो कितने सालों तक चलेगा। तो आपके मन में भी सवाल होगा, तो मुझे क्या लगता है, एक लिथियम आयन बैटरी मैक्सिमम 3-5 साल तक जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग हैबिट एंड यूसेज के हिसाब से। तो एक बहुत अच्छी डील आ रही है सिंपल एनर्जी, 15 अगस्त को हो रही है लॉन्च और देखते हैं क्या परफॉर्म करती है, क्या ये बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से आपको निजात दिला पाएगी या नहीं, देखेंगे 15 अगस्त के बाद। दोस्तों, सिंपल एनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर, आप क्या सोचते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ईवी वर्ल्ड को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।